दोस्तों, सभी महिलाओं को भारत सरकार की तरफ से फ्री में सिलाई मशीन दी जा रही, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता लगती है, कितने समय के लिए अंदर फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में भारत सरकार की तरफ से आपको मशीन दी जाती है, आज मैं आपके साथ में सारी जानकारी विस्तार के साथ में शेयर करूंगा। काफी भाइयों को तो यहाँ पर ये डाउट होता है कि कोई भी भारत सरकार की तरफ से फ्री में सिलाई मशीन नहीं दी जाती है, लेकिन ये सच है कि भारत सरकार की तरफ से सभी महिलाओं को नहीं दी जाती। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, सभी महिलाओं को भारत सरकार की तरफ से सिलाई मशीन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर कुछ कैटेगरी की महिलाएं जिनको सिर्फ सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर सकती हैं। कौन कौन सी कैटेगरी की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं? यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको सिलाई करना आता ही नहीं, तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ट्रेनिंग के दौरान ₹500 डेली दिया जाता है, जो कि 15 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। 15 दिन की जब भी आप यहाँ पर कोई भी महिला ट्रेनिंग लेती है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में प्रतिदिन ₹500 के हिसाब से 15 दिन का पैसा महिला के खाते में डाल दिया जाता है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के बाद में दोस्तों आप सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की सारी प्रक्रिया आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत में आप बेनिफिट ले सकते हैं। क्या क्या फ्रेंड्स आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है, कौन सी योजना के तहत में आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी जाति के लोग इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो कोई पार्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आपका भाई पीएम योजना से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको चैनल पर डेली अपडेट देता रहता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं फ्री में सिलाई मशीन योजना के तहत में आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको ₹15,000 मिलता है, और आप जब भी पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत में आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक मशीन दी जाती है। मशीन किस टाइप की दी जाती है, जो कि मैं आपको इसके गूगल पे आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको ये इमेज देखने को मिले इस टाइप की, फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मशीन मिल सकती है, यानी कि आप अपने घर पर लोगों के कपड़े सिल करके अपने घर को रोजगार बना सकते हैं, और आप यहां पर कुछ अपना और डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी आप यहां पर व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई भी दुकान करना चाहते हैं, तो दोस्तों दुकान के लिए आपको यहां पर दुकान में सामान भरने के लिए, दुकान को बड़ा करने के लिए, दुकान में सेटअप बनाने के लिए आपको ₹3,00,000 की आर्थिक सहायता भी आपको यहाँ पर दी जाती है, जो कि आपको यहाँ पर सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप यदि वीडियो को स्किप कर देते हैं बाद में फ्रेंड्स आप यहां पर कमेंट करते हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको यह सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना है, आपको सिलाई मशीन की सख्त आवश्यकता है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। तो यहां पर दोस्तों हम गूगल पर सबसे पहले टाइप करेंगे पीएम विश्वकर्मा .gov.in पर दोस्तों आपको क्लिक करना होता है। जैसे फ्रेंड्स आप पीएम विश्वकर्मा योजना पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कुछ इस टाइप की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अबाउट अस स्कीम के अंदर जाना होता है, जो कि आप तीसरे वाले आइकन पर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अदर अदर कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पर बेनिफिट दे रखे हैं। तो आप सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको दर्जी वाले आइकन पर आपको फिल करना होता है, यानी कि आप जब भी अपना फॉर्म सबमिट करें तो आपको अपनी जाति में दर्जी डालना है। यदि आप यहाँ पर दर्जी नहीं डालेंगे तो आपको सिलाई मशीन नहीं दी जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पर जो महिला है वो दर्जी का काम करती है, सिलाई का काम करने वाले वो दर्जी होते हैं। दर्जी का काम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो अपनी जाति वो दर्जी आपको यहाँ पर डालनी होगी, और भी आप यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर काफी ऐसी योजना चली है जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पर काफी ऐसी योजनाएं, इन योजना के तहत में आप आवेदन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना है, आप यहाँ पर कोई भी अपनी चॉइस के अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि गरीब से गरीब पर्सन इस योजना के अंतर्गत में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या स्कीम बेनिफिट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए वेरिफिकेशन, यानी कि आप यहाँ पर 5 से 7 दिन की भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आप यहाँ पर कम से कम 15 दिन की भी आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप 15 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर ₹500 प्रतिदिन दिया जाता है, जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं।
₹500 फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। जब भी दोस्तों आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में टूल किट खरीदने के लिए आपको ₹15,000 का यहाँ पर बाउचर कूपन दिया जाता है। उस बाउचर कूपन की मदद से आप यहाँ पर अपनी मशीन को खरीद सकते हैं। आप ₹15,000 दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके दौरान दोस्तों आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आपने मशीन तो खरीद लिया, मशीन खरीदने के बाद में आप अपनी कोई भी दुकान बनाना चाहते हैं, कोई भी आप दुकान लेकर के काम करना चाहते हैं दर्जी का, तो दुकान में आपको सामान भरने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि आपको ₹3,00,000 की आपको आर्थिक मदद यहां पर आपको मिलती है, जो कि दो इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलता है। पहला इंस्टॉलमेंट फ्रेंड्स आपको ₹1,00,000 का मिलता है, और आप पहला इंस्टॉलमेंट के बाद में दोस्तों आपको 1 महीने के बाद में ₹2,00,000 की राशि फिर से आपको यहाँ पर दी जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, जो आपको ब्याज देनी होती है साल की फ्रेंड्स, आपको ओनली 5% आपको यहाँ पर ब्याज देना होता है। जो कि आप ₹1,00,000 की लोन लेते हैं तो आपको साल का ₹5,000 ही भरना होता है, तो आसानी के साथ में आप इस पैसे को भर भी सकते हैं और आप अपने जीवन के अंदर सुखी जीवन व्यतीत भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास में यदि कोई भी रोजगार होता है और आपकी इनकम स्टार्ट है, आपकी आमदनी सारे, तो आप अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जरूरी नहीं है आप सिलाई मशीन के लिए आवेदन करें। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के लिए आप काम करने के लिए आपको काफी योजनाएं चलेंगी, इस योजना के तहत में आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये जानना दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ्रेंड्स आपके पास में फोटो होना चाहिए, और आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट भी फ्रेंड्स आपका होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहां पर सबमिट करना होता है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। आपकी इनकम साल की 1.5 लाख से ऊपर है तो आप इस योजना के अंतर्गत में कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आपकी इनकम साल में 1.5 लाख से अंतर्गत में आती है तो आप इस योजना के अंतर्गत में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर है तो आप इस योजना के अंतर्गत में कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट के बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र आपने बनवा रखा है तो आप इस योजना के अंतर्गत में ऑनलाइन आवेदन आसानी के साथ में कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सब बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन वाला आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सीएससी लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। सेकंड वाले आइकन पर सीएससी रजिस्टर प्रेफरेंस आपको क्लिक करना होता है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका डिजिटल सेवा कॉन्टेक्ट यानी कि ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछता है कि आपकी सीएससी आईडी आपके पास में अवेलेबल है तो आप इस योजना के अंतर्गत में ऑनलाइन आवेदन स्वयं कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी सीएससी सेंटर पर जाकर के पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन के लिए आवेदन आसानी के साथ में कर पाएंगे। तो आपके पास में सीएससी आईडी है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना सीएससी आईडी डाल करके आप इस योजना के अंदर ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो आप किसी सीएससी सेंटर पर जाकर के इस योजना के अंतर्गत में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल में फ्रेंड्स मेरे पास में सीएससी आईडी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर मैं आगे का प्रोसेस नहीं बता सकता हूँ। आप इस योजना के अंदर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप किसी सीएससी सेंटर पर जाकर के पीएम सिलाई मशीन योजना के तहत में आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते किसी बेहतर जानकारी के साथ में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।